मैं डॉक्टर श्वेता प्लैनेट आयुर्वेदा मुंबई ब्रांच से आज हम जुड़ने जा रहे हैं संतोष शिंदे जी जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हैं और वो हमारे साथ मार्च महीने से जुड़े हैं। तो वो आज ऐसे डिस्कस करेंगे कि उन्होंने इस पूरे ट्रीटमेंट के जर्नी के दौरान क्या डाइट फॉलो किया, क्या प्रिकॉशंस लिया इस दौरान उन्होंने, क्या दवाइयां ले रहे थे वो। तो अब हम संतोष शिंदे जी के साथ जुड़ेंगे। नमस्ते संतोष जी, अब आप बताइए कि आप हमसे कैसे जुड़े थे और अपने जर्नी के बारे में इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान। नमस्ते मैडम, मैं संतोष शिंदे बात कर रहा हूँ। हाँ, लातूर से हूँ मैं। हाँ, आज मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में ऐसे यूट्यूब पे देखने के बाद में मुझे पता चला सर के बारे में, तो मैंने ऑनलाइन आपसे दवाइयाँ मंगाई थी। तो मैंने एक महीने मुझको पूरा ऐसा पूरा रिलीफ मिला मेरे को। बाद में मैंने और 2 महीने खाया तो मैं पूरी तरह से आ गई, ठीक हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तब आप लोगों का दिल से मैं शुक्रगुजार रहूंगा क्योंकि बहुत परेशानी में मैं था। और संतोष जी, आप हमसे मार्च महीने में जुड़े थे। हाँ जी मैडम, मार्च में मिला था मैं। और आपको तब संतोष जी क्या क्या तकलीफें हो रही थी? मुझे लूज मोशन होता था, स्टूल पास होता था, बाद में ब्लडिंग होता था, 7-8 बार मैं वॉशरूम के लिए जाता था मैं। तो जब से मैंने मेडिसिन चालू किया तो मैं अभी पूरी तरह ठीक हो गया मैं, अभी कोई मुझको दिक्कत नहीं है अभी। और संतोष जी, आपका जो लूज मोशन काम हो रहा था वो कितना पूरा टाइम लगा उसको नॉर्मल होने में, मतलब जैसे आप बता रहे 7-8 बार था, उसको कम होने में कितना टाइम लगा था? मुझे मैडम 1 महीने मुझको पूरा उसका रिजल्ट मिलने लगा था जब से आपका मेडिसिन चालू किया था ना। 1 महीने बाद में मुझको धीरे 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 पूरी तरह से मेरे को फर्क हुआ और आज 3 महीना हो गया मेरे को, मुझको कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है। और संतोष जी, इस दौरान आपने डाइट में क्या क्या चीजों का पालन किया था? डाइट में मैंने मैडम जैसे आपने चार्ट भेजा था डाइट का, सही में डाइट जो है वही फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है मैडम। मिर्च मसाले खाने मैंने बंद कर दिया, तीखा खाने मैंने बंद कर दिया पूरी तरह से। और जो आपने चार्ट दिया था, सुबह में दाल खिचड़ी हो गया, अनार का जूस हो गया, नारियल पानी हो गया, और थोड़ा घी डाल के सुबह खिचड़ी खाता हूँ। और मुझे, मैं महाराष्ट्र से हूँ इसलिए मुझको ज्वारी की रोटी डाइजेस्ट हो जाती है, तो दोपहर में मैं दाल और ज्वारी की रोटी और चावल खाता था मैं। और इसमें डाइट चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें डाइट इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि डाइट के वजह से जो दवाइयों का रोल होता है वो और इम्प्रूव हो जाता है ना? आजी। और इसके अलावा आपको इस दौरान कोई तकलीफ हुई थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल? तकलीफ मेरे को, मेरा वेट लॉस बहुत हो गया मैडम। हाँ, तो अभी आगे और मेडिसिन मैं रखूंगा चालू क्योंकि मेरा वेट तो थोड़ा बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपके ऊपर मेरे को पूरा तरह से भरोसा है अभी। बहुत बहुत परेशान हो गया था मैं, मेरे को गलती से वो क्या बोलते हैं उसको, अभी अलग ही मेरे को ट्रीटमेंट चालू थी, तो बाद में मेरे को बड़े हॉस्पिटल जाने के लिए कहा था, तो मैं बड़े हॉस्पिटल में गया तब मेरा डायग्नोस हुआ था और डॉक्टर ने चक्रवड़ी बताया था मेरे चक्रवड़ी, तो मैं वो 1 साल तक खाया तो खाने तक आराम मिला, बाद में बंद किया तो और वो चालू हो गया। बाद में मैंने यूट्यूब पे सर का वीडियो देखा, विक्रम सर का, मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलूंगा क्योंकि वो मेरे लिए भगवान, सच में मेरे को अभी एकदम ऐसा एनर्जी आई है सर का जो मेडिसिन दिया आपसे, बहुत अच्छा मेरे को बहुत प्रोत्साहन मिला आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं खुद मेरे दिल से वीडियो बनाना चाहता था लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया मैडम मेरे लिए,
ये कोई फ्रॉड नहीं है, जो रियल है, मेरे पास पूरा प्रूफ है। ऐसा नहीं कि लोगों को लगता है कि ये कुछ भी दिखाती वीडियो, लेकिन मेरे पास प्रूफ है। लगता है तो लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बोलते हैं तो मैं दिखा दूंगा, क्योंकि लोगों को भरोसा लगेगा और उनको भी सही में ये सच है, लोगों को भी लगेगा। थैंक यू सो मच संतोष जी। और इस दौरान संतोष जी आपने कौन कौन सी दवाइयां ली हैं? जी मैडम, मैंने कुटस गणवटी, बेल चूर्ण, बोधसगाटी चूर्ण, बाद में डायरोप्लान, होम्योस्टॉप, पित्ता टैलेंस, बस यही दवाई लिया था मैंने मैडम। अगर सही में एक नाम है, कोई ये नहीं है, मस्त दवाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके अलावा आपने नारियल पानी ये सब भी लिया था? जी मैडम, सुबह सुबह मैं नारियल पानी, अनार का जूस डेली लेता था मैडम, और शीशम के पत्ते, गेंदे का फूल का जूस, ये भी मैं लेता था मैडम। आप जो मैसाकॉल के बारे में बता रहे थे, ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले आप छोड़ चुके थे मैसाकॉल को, या ये ट्रीटमेंट चालू होके धीरे धीरे आपने मैसाकॉल को बंद किया था, ये कैसे किया था? आपको मैडम बताना चाहूंगा मैं जरूर। जब मैंने ये जो मैसाकॉल ये जो गोली चालू किया था, तो मेरे को किडनी स्टोन हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो डर के मारे मैंने वो सब दवाई छोड़ दिया खाना। और ये जो अपना आयुर्वेदिक जो है प्लेनेट आयुर्वेदा का ऑनलाइन मंगा के मैं यही सेवन करता हूँ मैं। ओके, थैंक यू संतोष जी, आपने अपनी कहानी हमारे साथ बांटी, और जो और भी दुनिया में अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स हैं उनसे आपने बांटा अपनी कहानी को, कि इसका ट्रीटमेंट आपने कैसे किया, आपको इसमें कैसे सक्सेस मिला अपना अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करने में। तो आप और भी कुछ कहना चाहते हैं जो लोग इस वक्त इससे मतलब फेस करें? जितने भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट है उनको मैं कहना चाहूंगा, विक्रम सही में भगवान है मेरे लिए, तो आप भी भरोसा रखिए। और इसमें टेंशन डिप्रेशन बहुत रहता है, पॉजिटिव थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है, इसकी नेगेटिव इसमें आने नहीं देने का। और विक्रम सर की दवाई खाएंगे तो आप सच में पूरी तरह से क्योर हो जाएंगे आप। और आपका भी बहुत धन्यवाद मैडम, मेरे को हर समय आपने बहुत अच्छा मेरे को मदद की है मैडम, आपका पूरे दिल से धन्यवाद चाहूंगा मैडम। थैंक यू, आप ठीक हो गए ये सबसे बेस्ट चीज है। इसी तरीके से आगे भी आप अपने लाइफ में डाइट वगैरह फॉलो करना अच्छे से, और आपका वेट वगैरह जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है? जी मैडम, ओके, थैंक यू, नमस्ते। अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशन करें टॉप एमडी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ, इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक, और पाए सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com।